नमस्कार जी कैसे हैं आप सब स्वागत है आपका अपने अलबेला किचन में तो देखिए अलवेला किचन में आज आप लोगों के लिए क्या बनाया है मैंने ये देखिए कितना मतलब देखने में भी सुंदर है और खाने में भी इतना ही स्वादिष्ट है तो चलिए बताती हूँ आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है बहुत ही स्वादिष्ट सा मीठा अगर आप अमन है पंद्रह मिनट में आपको ये तैयार मतलब खाने के लिए मिल सकता है बना करके तो चलिए बनाते हैं फटाफट से ये आधा लीटर दूध मैंने गैस पर रख दिया था मतलब ये भैंस का दूध है और इसको मैं अच्छे से छः सात मिनट के लिए अच्छे से इसको पकाऊंगी गैस पर ताकि थोड़ा सा मतलब गाढ़ा हो जाए तो इसके बाद हम ले लेते हैं जब तक तो हमारा दूध पकता है ये दो आम छील करके मैंने ले लिए थे और इनको अब एक मिक्सर जार में मैं काट लूँगी और फिर मतलब देखिए इसको पूरा अच्छे से हम इस तरह से गुठली अलग कर देंगे और पूरा पल्प इसका निकाल लेते हैं तो तब तक मैं देखिए आम काटने के बाद एक गिलास दे दिया और गिलास में ये ढाई चम्मच में कॉर्नफ्लोर के ले लूंगी तो आज मेरे पास मतलब कस्टर्ड नहीं था तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि अगर आपके पास कस्टर्ड नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर से भी इसको बना सकते हैं तो ये देखिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल करके नॉर्मल दूध था ये गर्म दूध नहीं था तो इसका जो मतलब एक घोल तैयार कर लूंगी और इसको थोड़ा सा अच्छे से मतलब चलाते रहे ताकि इसमें कोई घाटे ना हो गांठ इसकी पूरी निकल जाए तो अभी देखिए जो हम दो, दो तैयार कर रहे थे गैस पर उसमें ये गोल हम मिक्स कर देंगे ताकि हमारा दूध जल्दी से गाढ़ा हो जाए तो इसीलिए पहले मैंने इसको छः सात मिनट के लिए पकाया था अच्छे से क्योंकि ये डालने के बाद बहुत ही जल्दी दूध गाढ़ा होने लगता है और आधा कप चीनी का डाल दिया और आप इसको मतलब चलाते ही रहे जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो नहीं तो फिर इसमें गांठें आ जाती है तो देखिए पहले वैसे चलाया मैंने फिर अब चीनी डाल करके भी इसको अच्छे से गोल लिया तो ये गाढ़ा सा घोल तैयार है अभी एक इस तरीके से तो ये तो हमारा मतलब बिल्कुल तैयार थी अब इसमें हम थोड़े से केसर के धागे और डाल देते हैं ताकि कलर अच्छे से आ जाए ये इस तरीके से डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये केसर अपना कलर इसमें छोड़ दे अच्छे से ये देखिए इस तरीके से इसको घोल लिया अभी तो ये मतलब तैयार है अभी बिल्कुल इसको गैस को कर देते हैं बंद क्योंकि इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है हमें तो इधर एक बाउल ले लेंगे बाउल में डाल करके इसको पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे हम जब तक हम ये जो आम हमने काट करके रखे थे इसको थोड़ा सा मतलब पीस लेंगे तो इधर एक मैंने पैन ले लिया है पैन में मतलब तीन चम्मचनी के डाल लिए और एक कप पानी डाला था तो इसका हम एक पतला सा घोल तैयार करेंगे मतलब सिरप तैयार कर लेते हैं शुगर का इस तरीके से इसकी आपको कोई चाशनी नहीं, नहीं या कोई चिपचिपा पानी नहीं बनाना है मतलब बस एक सिरप सा ही तैयार करना है पतला सा तो इधर ये मैंने क्रीम ले ली मेरे पास ये ये फ्रेश क्रीम थी तो ये मैंने ये भी मैंने तीन चम्मच के करीब ली है ये मेरे पास अमूल की थी आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो अगर ये भी नहीं आपके पास है तो आप मतलब दूध की मलाई तो देखिए हर घर में होती है दूध की मलाई गाढ़ी सी आप मतलब दूध उसका बिल्कुल अलग कर दे और गाढ़ी गाढ़ी सी मलाई उसकी तीन चम्मच के करीब ले करके उसको इसमें फेंट सकते हैं एक बार फिर मैंने मिक्सर जार को अच्छे से मतलब चलाया था तो ये अच्छे से फेंट लिया और इसमें दूध में डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी दूध बिल्कुल ठंडा हो गया था ये हमारा गर्म दूध में नहीं आपको बिल्कुल भी डालना है तो इस तरीके से देखिए इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरीके से तो ये अच्छे से मिक्स हो गया था और अभी इसमें कोई फ्लेवर नहीं है देखिए मैंगो का फ्लेवर तो है लेकिन जो हमने कस्टर्ड की जगह मतलब कॉर्नफ्लोर डाल था उसका कोई फ्लेवर नहीं होता है वो गाढ़ा ही करता है बस दूध को तो उसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर मतलब आप आधा चम्मच से ज़्यादा ही आप इसमें इलायची पाउडर डाल लें ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और अगर आप इलायची पाउडर नहीं पसंद करते हैं तो आप इसमें या फिर आप दूसरा फ्लेवर चाहते हैं तो आप इसमें वेनीला एसेंस भी डाल सकते हैं आधा चम्मच के करीब तो ये देखिए इधर एक मैंने कांच का ये बाउल ले लिया और इसमें ये टोस्ट या रस जो भी आप बोलते हैं इसमें एक लेयर हम नीचे लगा देंगे अच्छे से इस तरीके से ये अगर आपके पास देखिए टोस्ट भी नहीं है तो आप बिस्किट तो मतलब हर टाइम घर में रहते ही बिस्किट के भी आप इसको बना सकते हैं या फिर ब्रेड का भी बना सकते हैं जो आपकी मर्ज़ी है आप उससे इसको बना सकते हैं देखिए जो साइड में जगह रह गई थी उसमें मैं थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े काट करके डाल दूंगी और अभी देखिए जो हमने सिरप तैयार किया था वो इसके ऊपर इस तरह से अच्छे से हम फैला देंगे ताक, ताकि मतलब जो ये टोस्ट हैं अच्छे से इसको सोख ले और थोड़ा मिठास भी आ जाए और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाए इस तरीके से तो अच्छे से मतलब इसके ऊपर ये सिरप डालना है हमें और अब इसमें देखिए जो हमने गोल तैयार किया था अब इसके ऊपर वो पूरा गोल अच्छे से डाल देंगे तो इसीलिए मैं कह रही थी कि ये गोल मतलब आपको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इस तरह का ही रखना है ताकि जो हमारे ये टोस्ट है इसको अच्छे से सोख सके और मिठास भी और एक क्रीमी सा जो टेक्स्चर है वो अच्छे से इसके अंदर आ सके ये देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर डालते हुए चले जाएंगे पूरा मतलब जो टोस्ट है हमारे उसको हम अच्छे से ढक देंगे तो ये पूरा इसके ऊपर हमने अच्छे से इसको टोस्ट को कवर कर दिया है अब एक लेयर और इसके ऊपर हम डालते हैं इस तरीके से मतलब जो साइड में जगह बचेगी अगर आप ये पूरा टोस्ट नहीं उसके अंदर आता है तो तोड़ करके आप इसको डाल सकते हैं लेकिन कवर आपको पूरा करना है मतलब अच्छे से पूरा भरना है जो जगह खाली थी उसको भी तो देखिए इस तरह से तोड़ करके मैं उसके छोटे छोटे जो पीस रहेंगे उसको जो जहाँ पर सेट होगा अच्छे से उसको वहाँ पर सेट कर दूंगी ये इस तरीके से हम देखिए ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा था तो फिर ये मैं ऊपर कर दिया और छोटे वाला नीचे कर दिया और अब इधर भी एक पीस रख दिया मैंने जो छोटे छोटे पीस है वो इसके बीच में भर दूंगी तो ये भी पूरा तैयार हो गया था अभी इसके ऊपर फिर हम ये जो सिरप था वो डाल देते हैं पूरा अच्छे से फैला करके इस तरीके से इसे देखिए मतलब मिठास भी आएगा और ये सॉफ्ट भी हो जाएंगे और जो हम ये ऊपर से मतलब ये रबड़ी डालेंगे इसको अच्छे से फिर सोख लेगा अपने अंदर तो ये देखिए मतलब हमारी लेयर होगी थी पूरी तैयार इसके ऊपर अब हम अच्छे से ये जो कस्टर्ड बनाया था हमने कॉर्नफ्लोर का तो वो डाल देंगे तो देखिए इस तरीके से ये तैयार कर दिया था तो इसके ऊपर अभी मैं बादाम से थोड़ा सा डेकोरेट कर देती इसको और थोड़े से जो मैंगो के पीस मैंने काट करके रखे थे वो भी इसके ऊपर इस तरह से लगा दूंगी और अभी ये देखिए थोड़ा तो सा मैं इसके बाद इस पर डाल देती हूँ पिस्ता आपकी जो मर्जी आप डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है खाने में या फिर आपके पास जो है वो आप डालिएगा तो इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल मतलब मीठा एकदम तैयार है रेडी है फ्रिज में जाने के लिए ये मैंने नाइट में बनाया था तो मैं इसको मतलब सुबह हम इसको खाएंगे तो एक नाइट के लिए इसको मैं रख दूँगी बहुत ही मतलब ठंडा सा अच्छा सा बन करके तैयार हो जाएगा तब तक अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको तीन या चार घंटे के बाद भी इसको खा सकते हैं लेकिन ये पंद्रह मिनट में ही मतलब तैयार हो जाता है तो देखिए इस तरह से ये बिल्कुल तैयार था सुबह को दिखा रही हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छा सा जम करके तैयार हो गया है और फिर एक बार आप लोगों से बहुत ही प्यारे से रिक्वेस्ट करती हूँ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके प्लीज़ बताइए कि मेरी वीडियो या मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है तो देखिए अभी मैंने इसमें से एक पीस मतलब इसका काटा है और आपको निकाल करके दिखा रही हूँ बहुत ही मतलब इतना सॉफ्ट तैयार होता है कि बहुत ही जल्दी ये जैसे मैं अब ये निकालना है ये ये देखिए फिर आप चम्मच से निकाल करके दिखा रही हूँ आपको इससे भी कितने अच्छे से आराम से ये कट रहा है और स्वादिष्ट भी बहुत ही लगता है मतलब इतनी जल्दी बनकर के तैयार होता है कोई घर में गेस्ट आए या फिर आपका खुद का मन हो कभी मीठा खाने का तो इस तरीके से आप बना करके खाइए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद